कांग्रेस पर बरसता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कहूं छे कि छत्तीसगढ़ भगवान रामनु मोसाड़ छे अने त्याने दिल्हीनु एटीएम नहीं बनवा देवाय। अमित शाह कहूं छे कि छत्तीसगढ़नी भूपेश बघेल सरकारे आदिवासीओना चोखा चोर्या छे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे छत्तीसगढ़नी चूंटणी रेलीने संबोधित करता कांग्रेस पर निशान साध्यु छे। अमित शाहे सवाल कर्यो छे कि राहुल बाबा तमे आदिवासीओ माटे शुं कर्युं। तेमणे छत्तीसगढ़नी भूपेश बघेलनी सरकारने भ्रष्टाचारी गणावी। भूपेश बघेल सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मेरे साथ बोलिए, भूपेश बघेल सरकार कैसी है? जोर से बोलिए, कैसी है? शराब कांड में 2000 करोड़ का घोटाला किया, कोयला परिवहन में 500 करोड़ का घोटाला किया, गरीबों के आदिवासियों के अनाज में 5000 करोड़ का घोटाला किया, गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया, पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला किया, कोरोना सेस में घोटाला किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड 700 करोड़ का खा गए और 25,000 से अधिक बच्चे इलाज के अभाव में मर गए और 67% आदिवासी माताएं आज एनीमिक हो गई। रमन सरकार में ये नहीं होता था। गृह मंत्री अमित शाह दावो कर्यो छे के भाजप कांग्रेस ना काला कारनामाओ सामे लावशे। तेमणे छत्तीसगढ़ नी कांग्रेस सरकार पर गरीबों ना चोखा चोरवानो आरोप लगाव्यो छे। ऊपर से मुफ्त में 5-5 किलो चावल आज भी नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। जो 5 किलो चावल एक्स्ट्रा भेजा वो कौन खा गया भाई, बताओ कौन खा गया? जोर से बोलो, कौन खा गया? अरे जो गरीबों के चावल खा जाए उसको वोट देना चाहिए, जोर से बोलो देना चाहिए। अरे उखाड़ कर फेंक दो एक चावल चोर सरकार को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहूं छे के छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम नु मोसाड़ छे, आदिवासी ने राष्ट्रपति बनावानु काम कर्यू छे। कांग्रेस पर निशान साधता अमित शाह कहूं के आदिवासियों ने राष्ट्रपति बनावानु काम अमे कर्यू छे। किया है, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, भूपेश बघेल आप भ्रष्टाचार से कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का एटीएम बनाना चाहते हो छत्तीसगढ़ को, ये भगवान राम का नैनिहाल है। हम छत्तीसगढ़ को एटीएम नहीं बनने देंगे, छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाएंगे। अमित शाह आगर कहियो के आदिवासियों माटे पहला 24,000 करोड़ नू फंडिंग थतु हतु, तेने वधारी ने 1,19,000 करोड़ करी देवामां आव्यु छे। कांग्रेस नी नजर आदिवासियों नी जमीन पर छे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस।